नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज है कोकोमेलन फैमिली के गांव में एक नया दिन, और देखते हैं कि आज वो अपने गांव में अपना आज का दिन कैसे बिताते हैं और क्या क्या करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको उनका गांव दिखाते हैं। ये है उनका प्यारा सा घर, ये है उनकी प्यारी सी बिल्ली जिसका नाम है रानी, और ये है उनकी प्यारी सी दो मुर्गियाँ, ये है उनके प्यारे से दो गाय, ये एक गांव का कुआं, और ये एक बकरी और एक प्यारा सा घोड़ा। तो ये रहा कोकोमेलन फैमिली का गांव, जो कि बहुत ही सुंदर है। मम्मा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज का दिन हम कैसे बिताएंगे? हमें बताओ ना मम्मा, अब तो हमारे स्कूल भी आने वाले हैं और गांव में थोड़े ही दिन बचे हैं, तो अब क्या करेंगे आज मम्मा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सोच करके ही। मम्मा, आज हम क्या करेंगे, मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ मम्मा, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि आज हम क्या करेंगे गांव में। बेटा, तुम लोगों को राजमा पसंद है ना? राजमा? हाँ मम्मा, हमें तो राजमा बहुत ही पसंद है। क्या आज आप हमारे लिए राजमा बनाने वाले हो? हम तो ये सोच सोच करके ही खुश हो रहे हैं। ये आज मम्मा राजमा बनाएगी खाने में। हाँ बेटा, राजमा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज तुम्हारे पापा और मैं खेत में जा रहे हैं राजमा बोने के लिए, ताकि हम जब अगली बार गाँव आए तो फिर से शहर खूब सारी राजमा लेकर के जाएं, क्योंकि तुम्हें तो टिफ़िन में राजमा चावल ले जाना बहुत ही पसंद है ना? तो हम जा रहे हैं खेत में, ठीक है? हम भी आएंगे मम्मा खेत में आपके साथ राजमा बोने के लिए। हमें भी देखते हैं कि राजमा कैसे बोते हैं, हमें भी आना है। हाँ मम्मा, मैं भी आऊँगा खेत में राजमा बोने के लिए। फिर बाद में तो बस गाँव की याद ही आती रहेगी शहर जाने के बाद, इसलिए अभी जब तक गांव में हूँ बस खेत ही जाते रहो और घूमते ही रहो, मेरे तो ऐसे ही मन करता है। हाँ हाँ बच्चों, चलो फिर तुम भी आ जाओ। चलो फिर तुम लोग सब गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है? हम लोग भी बस आते हैं साथ में राजमा लेकर के। अब सारे बच्चे बैठ गए हैं अपने ट्रैक्टर में और निकल गए हैं अपने खेत के लिए। चलो अब समय हो रहा है, मैं टोकरियाँ ले लेती हूँ खेत जाने के लिए। चलो निकलते हैं। और ये पापा भी आ गए हैं और मम्मा भी आ गए हैं दोनों खेत जाने के लिए। और ये रही राजमा, ये राजमा को ये टोकरियों में भर लेते हैं ताकि खेत में इसे बो सके। तो ये रही राजमा, अब मम्मा भी बैठ चुकी है गाड़ी में और पापा रखेंगे राजमा और फिर पापा भी बैठ जाएंगे गाड़ी में। तो ये दोनों राजमा की टोकरियाँ रख दी है गाड़ी में और अब ये पापा भी बैठ चुके हैं गाड़ी में और अब गाड़ी चल चुकी है खेत की ओर राजमा बोने के लिए। बच्चे पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो, सब लोग पहुँच चुके हैं खेत में। अब मम्मा उतर चुकी है गाड़ी से और पापा भी उतर चुके हैं और दोनों राजमा की टोकरियाँ भी उतर चुकी है और अब बच्चे भी आ रहे हैं खेत में। मम्मा, हम भी आपकी हेल्प करेंगे राजमा बोने के लिए, प्लीज़। ओके बेटा, अगर तुम्हारा मन है, तुम नई चीज़ सीखना चाहते हो तो क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। वाह, फिर तो मैं भी हेल्प करूँगा क्योंकि मुझे भी नया कुछ सीखना है। चलो बच्चों, अब काम शुरू करते हैं, ठीक है? अब समय हो रहा है तो सबसे पहले हम इससे खेत की खुदाई करेंगे ताकि उसमें हम राजमा के दाने अच्छे से बो सकें। तो इस तरीके से राजमा के दाने पूरे खेत में बिखेर देते हैं और फिर इनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से उगे। बेटा, मैं सिंचाई के लिए कुएं से पानी लेकर के आती हूँ, ठीक है? तुम लोग यहीं मेरा वेट करो। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से लेकर के आ जाओ पानी। तो ये रहा गांव का कुआं और अब मम्मा लेकर के जा रही है राजमा के दानों में सिंचाई के लिए पानी।
तो पानी से भरी हुई बाल्टी लेकर के मम्मा पहुंच चुकी है खेत में और अब वो करेंगे खेत की सिंचाई, जिससे कि राजमा के सारे दानों को अच्छे से पानी मिल जाए और वो अच्छे से उनके पौधे ग्रो करें। तो ये हर एक दाने में राजमा के पूरा पानी डाल दिया है और खेत में कर रही है मम्मा सिंचाई। इससे राजमा की बहुत बड़े बड़े पौधे लगेंगे और उसे बहुत सारा राजमा निकलेगा। बच्चों, तो चलो आज का दिन पूरा हुआ, हमने खेत का जो भी काम था वो सब कर लिया है, अब हमें घर की ओर निकलना चाहिए। मम्मा, हमें तो बहुत ही मजे आया, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा लगा। राजमा कैसे बोते हैं और कैसे सिंचाई करती है, हमने तो ये सारा सीख लिया और बहुत ही अच्छा लगा नई चीज़ सीख करके। थैंक यू मम्मा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करो। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे वापस।